नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2005 का सवाल है वेक्टर्स का इट सेज इफ वेक्टर टू आई कै प्लस थ्री जे कै प्लस एट के कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर फोर जे कै प्लस फोर आई कै प्लस एल्फा के कैप देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल्फा और हमें चॉइसेस दे रखी है माइनस वन सो लेट्स राइट दिस वैक्टर्स फर्स्ट सो अपना एक वैक्टर है लेट्स कॉल इट ए वैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू टू आई कै प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस एट के कैप सेकेंड uh, वैक्टर है दैट इज इक्वल टू फोर जे कैप बी वैक्टर इज इक्वल टू फोर जे कैप माइनस फोर आई कैप प्लस एल्फा के कैप सो दिस माई वैक्टर नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एल्फा सच दैट दिस टू वैक्टर्स आर पर पेंडिकुलर टू इच अदर या फिर इसको हम ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं नाउ ये बात अपने को पता है कि अगर ए डॉट बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो होगा सो so, उसके इसमें अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें सो रिमेंबर दिस इज आई कैप एंड दिस इज आई कैप तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे सो इट विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी इक्वल टू माइनस एट माइनस एट एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस ट्वेल्व एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस एट एल्फा विल बी इक्वल टू जीरो डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि आई आई जे जे के के मल्टीप्लाई हो जाते हैं सोफ दैट इज द केस सो आई दिस विल बी माइनस एट दिस विल बी प्लस ट्वेल्व एंड दिस विल बी एट अल्फ़ा इनका सम जीरो है इसका मतलब ये हो गया अगर हम उसको दल ले जाए विच मीन्स एट एल्फा विल बी इक्वल टू माइनस फोर ये प्लस फोर बन जाएगा तो जाके माइनस फोर विच एम्प्लाई एल्फा विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी माइनस वन बाय टू विल बी द करेक्ट चॉइस